इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? होप करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो अभी जा रहा हूँ मैं गुड़गांव, आज मेरी मीटिंग है। और अभी सुबह सुबह किसी ने गाड़ियाँ मार दी, इतना दिमाग ख़राब कर दिया। गाड़ी को देना पड़ेगा रिपेयर को। लोग ऐसे, मेरी गाड़ी खड़ी थी, वो आके पीछे मार दिया। बताओ, खड़ी गाड़ी में मारने में क्या ये है? मोबाइल चलाते रहते हैं, गाड़ी चलाते रहते हैं, उसमें दिखा नहीं उसको, उसने ठोक दिया। तो गाइस आज देख लो आप लोग कैसा हो रखा है बाहर में। तो गाइस क्या बताऊँ, लोग एक से एक हैं। गाड़ी चलाते हैं, मोबाइल चलाते रहते हैं, मोबाइल में देखते नहीं हैं कि हाँ भाई आगे गाड़ी भी है। और खड़ी गाड़ी में आके मार के चला गया। अब क्या कर सकते हैं ऐसे लोग को ना। उसकी अपनी गाड़ी तो पूरी डैमेज हुई, मेरी गाड़ी तो मान लो खड़ी थी तो थोड़ा सा डेंट आ गया, लेकिन उसकी गाड़ी तो पूरी खुल गई। मारुति में क्या है, प्लास्टिक की जैसी रहती है, वो तुरंत चोट लगती है ख़त्म। तो ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, जो गलती उसकी थी तो अपना चुपचाप निकल लिया, लेकिन अब मेरे को भी तो उसको ठीक कराना ही पड़ेगा जो लग गया वो। और गाइस अभी रास्ते में हैं तो आज ट्रैफिक तो मिला नहीं है, आगे देखते हैं कि आगे ट्रैफिक है या क्या है, तो चेक करते हैं। आजकल मैं वो रोड जो खुदाई चल रही है उसके चक्कर में मैं इस रास्ते से जाता हूँ, पहाड़ी वाले रास्ते में टर्न हो जाओ और आराम से, यहाँ कोई ट्रैफिक भी नहीं, कुछ भी नहीं, तो ईज हो जाता है थोड़ा सा पहुँचने में। बट सुबह सुबह मूड ख़राब कर दिया था भाई ने, मार दिया गाड़ी में और दिमाग ख़राब कर दिया है, तो एक टेंशन हो जाता है यार। तो अभी पहले पहुंचते हैं ऑफिस, फिर गाड़ी को देखते हैं कि क्या है। इस बस निकल चुका हूं मैं, देख ही रहे हो आप। आज का तो क्या बताऊं मैं, पूरा दिन मूड ख़राब हो गया था। सुबह में गाड़ी जो मार दिया था उसके चक्कर में मैं सोचता रहा क्या है क्या है। और ठीक है, अब लग गई तो उसको रिपेयर कराएंगे, लेकिन एकदम भैया ने बहुत दिमाग ख़राब कर दिया था। उसने क्या किया, ब्रेक, मैं तो ब्रेक लेके रुका हुआ था, पीछे से आया बिना देखे मार दिया। लेना अभी नहीं, मतलब आज के लोग मोबाइल देखते रहते हैं और गाड़ी चलाते हैं, जिसके चक्कर में ठोक देते हैं यार। सामने कम से कम देखो तो सही कि हाँ भाई कोई है, ब्रेक लिया है, कोई रोका हुआ है। बंदा गाड़ी चलाए जा रहा है, एकदम मार दिया उसने, अब देना पड़ेगा मुझे सर्विस को गाड़ी। तो गाइस अभी निकला हूँ, तो अभी पहुँचते हैं घर पे, देखते हैं क्या है आज, ये कहाँ जा रही है गाड़ी, ट्रैक्टर। तो ये आज का सिचुएशन है मेरे को, कभी मतलब क्या बताऊँ मैं। बहुत सारे टाइम में ऐसा होता है कि ये सब चीज़ें हो जाती हैं, तो अब इसको जाना पड़ेगा सर्विस। पता नहीं कितना दिन लगेगा, एक हफ्ता तो कम से कहीं नहीं जाता, एक हफ्ता लग ही जाएगा, तो रिपेयर होके आ जाएगी, तो देखेंगे क्या है। तो रिपेयर हो जाए गाड़ी मेरी। और गाइस काम का क्या बताऊँ, काम हुआ आज थोड़ा बहुत, मीटिंग थी, मीटिंग में गया था मैं दिन में, वापस आया फिर काम, फिर निकल लिया मैं। देख लो ये रात में क्या मौसम हुआ है, टेम्परेचर देखो अभी 11 डिग्री, ठंड मतलब बढ़ते जा रही है दिन पर दिन, और हर दिन मतलब क्या कहते हैं, दिन प्रतिदिन की जो ये है टेम्परेचर वो डाउन होते जा रहा है। और अभी घर जाऊंगा ना तो पता चलेगा। डेंट आया हल्का सा, ये व्हील जो है थोड़ा टेढ़ा हो गया है बस। तो गाइस घर आए, हाथ मुँह धो लिए, खाना खा लिए, सब कुछ हो गया। अब बस बाबू मेरे जैसे घर आया, आती है वो सो गया, अब देखना है उठता है तो उसको ब्लॉग में लेंगे। अभी तत्काल तो खाना का कैसे बैठे हैं, तो अभी देखते हैं बाबू उठता है क्या। तो गाइस देखिए इस लड़के को पीछे क्या कर रहा है, देखिए सो गया है। मैं जैसे ऑफिस से घर आया ये मेरे को देखा और उसका सो गया, पता नहीं टायर्ड होगा, दिन भर खेलता है ना, देखिए कैसे सो रहा है।
अभी खराटे ले लेके सोता है, पता नहीं क्या। तो गैस खाना खा लिए ऑफिस में, बहुत आज ठंड बहुत है, और इतनी ठंड है मतलब अब धीरे धीरे टेम्परेचर डाउन हो रहा है, तो दिक्कत तो बड़ी। और गैस जो मेरी गाड़ी में लगा हुआ है आपने देखा ही, तो अब देखते हैं कब दें, क्योंकि मुझे ऑफिस से जाना है, बहुत सारा काम भी। अगर अभी दे देंगे तो एक हफ्ते के लिए मेरी गाड़ी का ये हो जाएगा, तो उससे आने जाने में भी मुझे दिक्कत होगी, क्योंकि मेरे पास तो एक ही गाड़ी है। तो देखते हैं कैसे इसको एडजस्ट करते हैं, कुछ तो करना पड़ेगा। और गाइस कल है फ्राइडे, तो फ्राइडे कल जाएंगे काम से, तो देखते हैं कल क्या प्लान बनता है। अगर गाड़ी का देना होगा तो कल ही दे देंगे, तो कल दे देंगे, फिर बन के आएगी पता नहीं कितने दिन में, 3-4 दिन तो कम से कम लग ही जाएगा। विंटर का सीज़न, ऐसे ही कोई थोड़ा सा डेंट आया तो पेंट करेंगे या कुछ भी करेंगे, तो उसमें टाइम जाएगा। तो एक यार ये लड़का कभी उठेगा नहीं, देखिए कैसे सो रहा है। तो देखिए कैसे सोया है ये लड़का, टोपी पहन के, स्वेटर पर हाथ कहाँ रखा है, देखो गजब। सोने दे इसको, ये तो अब उठेगा नहीं, बाबू तो उठेगा नहीं अब। तो गाइस क्या करें, अभी इतनी ठंड है बाबू, बहुत ज़्यादा। कितना टेम्परेचर हो गया पता है, कितना टेम्परेचर है, कितना टेम्परेचर है पता है तुमको, कितना बताओ, 10 डिग्री। तो गाइस होप इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, होप करते हैं आप लोग को ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक्स फॉर वॉचिंग।